नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, आपका साथ मेरा प्रयास मिलकर करेंगे। वार्ड 904 का विकास, वेंद्र कुमार बारी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है। जल चुनाव की स्थिति घोषित होने वाली है। ऐसे में 5 वर्ष बीतने पर आदर्श नगर पंचायत मनिया वार्ड 904 के सभासद पद के कर्मठ, निभिन, शिक्षित एवं ईमानदार सभासद भावी प्रत्याशी वेंद्र कुमार बारी ने कहा कि आपका साथ मेरा प्रयास मिलकर करेंगे वार्ड 904 का विकास। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो ईमानदारी पूर्वक विकास योजना लागू की जाएगी। वार्ड 904 के हर एक समस्या को जड़ से खत्म करने का प्रयास पूरी की जाएगी और समस्या को खत्म भी किया जाएगा। आइए सुनते हैं वार्ड 904 के सभासद भावी प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार बारी की जुबानी क्या कह रहे हैं। जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हरेंद्र कुमार बारी, वार्ड नंबर 4 कराने वाला हूँ। आप वार्ड नंबर 4 में सभासद का प्रत्याशी भी हैं? जी जी। आपका क्या मुद्दा है वार्ड नंबर 4 में चुनाव लड़ने का? जी, हमारा मुद्दा है वार्ड नंबर 4 में गंदगी, नाली, बिजली की व्यवस्था बहुत ध्वस्त है। पिछले जो मेंबर थे उनके द्वारा बहुत सारी मतलब उल्टी सीधी काम हुआ है, जैसे कि आवास में घुसखोरी हुआ है। तमाम लोग हैं, आज भी हमसे लोग कह रहे हैं कि फलाना मेंबर, भूतपूर्व मेंबर, हमसे इतना पैसा लिए, उतना पैसा लिए। ये व्यवस्था बंद कराना है मुझे। लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, इस व्यवस्था को सही कराना है। नाले का व्यवस्था सही नहीं है, इस व्यवस्था को सही कराना है। हमारा वार्ड साफ सुथरा नहीं रहता है, ये व्यवस्था सही कराना है। क्या इसके लिए कभी आवाज़ उठाए हैं? बिल्कुल उठाए हैं। क्या मिला है वो आवाज़ से? यही मिला है कि जनता ने बोला है कि हरेंद्र तुम खुद आओ और तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जी जी जी। आज उसी को लेकर के आप बीच में आए? जी जी जी। क्या जनता में आपको मिल रहा है? जनता आपको भरोसा क्या दे रही है? जनता रिकॉर्ड तोड़ हमारा साथ दे रही है। अच्छा, कितने कुल मतदाता हैं वार्ड नंबर 1600 मतदाता हैं वार्ड नंबर 4 में। महिला कितने हैं? यही कोई 700 और 900 के करीब पुरुष। अच्छा, इतना है। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता होगा? हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हमारा वार्ड बेहतर वार्ड हो, विकास हो हमारे वार्ड में, हर वार्ड से अच्छा काम हो। आप इसके पहले भी कहीं चुनाव लड़ चुके हैं क्या? जी, मैं इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा हूं, लेकिन मैं अपने बारी समाज से जिला बलिया का अध्यक्ष रह चुका हूं संगठन द्वारा, और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। आप अपने बारी समाज से? जी। तो यहाँ लोगों का आपका अच्छा समर्थन मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं को? मैं वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं से कहना चाहूँगा, आप उसी व्यक्ति को चुनने का काम करें जो अधिकारी से आपकी समस्या को समाधान दिला सके। कोई अगर सरकारी योजना हो तो आपके वार्ड में लाने का काम करे। किसी समस्या में अगर किसी अधिकारी से अगर बात करना हो तो बात करने के योग्य हो। इस तरह का प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 का मेंबर होना चाहिए जो आप मिल चुके हैं? जी जी। तो और यहाँ की समस्या, गरीबों के लिए आपका क्या उत्थान रहेगा? गरीबों के साथ बहुत बताया ना अभी आपसे, गरीबों के साथ यही हुआ है कि उत्पीड़न हुआ है, काफी बहुत काफी हुआ है। आवास के नाम पे किसी से 10,000 ले लो, किसी से 5,000 ले लो, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लूट मची हुई है। 5 साल तो एकदम तरह तरह हमारा वार्ड किया। तो इस चीज को आप खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाएंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड नंबर 4 को बनाएंगे। आपका वादा है? वादा है। ऐसा है, कभी कभी बारी साहब ये भी होता है कि चुनाव में प्रत्याशी जब आते हैं तो जनता से तो वादा कर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादा फिर निभा नहीं पाते हैं। क्या आप क्या करेंगे इसमें? आज जी, मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे वार्ड को एक संदेश देना चाहता हूं। अगर मैं इस वादे पे अगर
खड़ा नहीं उतर पाया तो वार्ड, ये हमारा परिवार है, पूरा वार्ड हमारा परिवार है, परिवार तो पूरा नगर पंचायत, अपना जिला, अपना देश, सब अपना ही है, लेकिन खास तौर पर अपना वार्ड है। और अगर मैं अपने वादे को अगर पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं कौन सा मुंह लेकर अपने परिवार को अपना मुंह दिखाऊंगा? और जनता जो भी चाहेगी, मेरा परिवार जो भी चाहेगा, मैं उस दंड को स्वीकार करूंगा। लेकिन आप विकास करेंगे? लेकिन मैं विकास करूंगा। अगर कोई, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर कोई अगर साबित कर देगा, अगर मैं जीत गया और अगर कोई साबित कर देगा कि मैं फलाने से एक रुपया अगर घूस लिया हूं, तो बीच चौराहे पे अपना मोच छिलवा के फेंकवा दूंगा। मेरा वादा है आपके माध्यम से, गलत नहीं होने देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सत्य का हमेशा साथ करेंगे जी, बिल्कुल, और नगर का सेवा करते रहेंगे जी, 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 वार्ड नंबर 4 का जी, बिल्कुल, ये आपका वादा है? बिल्कुल, एकदम वादा, यही मेन उपदेश है सर।